सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील वैश्यवदन प्रभु अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये जो श्रीमद भागवत है ये कल्पतरु है, ये कल्प वृक्ष है उसको बताए। इसलिए भागवत का मंगलाचरण में पहला जो श्लोक है वो ध्यान है। भागवत ग्रंथ का इष्ट देवता कौन है? बोले सत्यंग परम धीमहि। वो जो परम सत्य श्री भगवान है, हम सबके सब श्री भगवान कृष्ण को सबके सब श्री प्रणाम करते हैं। तो यहाँ प्रश्न करते हैं केवल क्या कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं ना, और किसको ही प्रणाम करते हैं? बल केवल कृष्ण को नहीं, उसको साथ में श्रीमती राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए जुगल को उपासना करनी चाहिए। इसलिए ये भागवत का ये ध्यान, बोले भागवत का प्रतिज्ञा क्या है? बोले भागवत का प्रतिज्ञा है अगर केवल कथा सुनने की कोई इच्छा मात्र कर ले, इच्छा मात्र करते ही भगवान आकर के उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान उसके हृदय में आकर के बंद जाते हैं। कहते केवल भागवत ही ऐसे के ग्रंथ है जिसको श्रवण मात्र से ही जीव भगवान को अपना अधीन कर ले। बोले भागवत का आशीर्वाद क्या है? अगर ये कथा सुनेंगे तो हमें मिलेगा क्या? इसकी आशीर्वाद में बताए, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविवाभुका। बोले आशीर्वाद दे रही, अगर ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष को नीचे बैठो, आप जो कुछ मांगोगे सात दिन में ये भागवत आपको सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। जो कुछ आप मांगोगे सब इच्छा को ये भागवत देने वाले। लेकिन वो सावधान भी करते हैं। बोले सावधान क्या कर रहे हैं? एक उदाहरण दिया, कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उन्होंने कुबेर को उपासना की। कुबेर का नाम जाने हो? जानते हो कुबेर कौन है? कौन है? हाँ, ये धन का सारी मालिकाना इनको पास में, ट्रेजरी इनको पास में, सारे पैसा की। जब कुबेर संतुष्ट हो गया बोले बर मांगो, लेकिन बेचारा ये गरीब ब्राह्मण था, इसको पास में एक गैया थी। बोले कुबेर जी मेरे पास में एक गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना उसी दे दो। बोले पागल, अरे मैं तेरे को इतने धन दौलत पुत्र परिवार इतने दे सकता हूँ, इसी जीवन में भी खाओ, दूसरे जीवन में भी खाओ, तीसरे जीवन में भी खाओ, हैं कभी समाप्त तो होने वाले नहीं, इतने धन दौलत मैं तेरे को दे सकता हूँ, लेकिन तुमने किया मांगे गैया को खाने के लिए छोड़ा था चुना उसी। मतलब क्या है? बोले मतलब है अगर भागवत कथा सुन करके आप बोलोगे बेटी की शादी नहीं हो रही है, ठाकुर जी बेटी की शादी करा दो, ठाकुर तो उसी समय शादी करा देंगे, कल घर में धन दौलत नहीं, पैसा नहीं, थोड़ा पैसा दे दो, वो पैसा दे देंगे। बोले कि बेटा की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी दे देंगे, हमारी तबीयत खराब सही कर दो, सही कर देंगे। अगर ये सब चीज अगर भागवत से मांग लिया ना, जैसे मानो कुबेर को संतुष्ट करके तुमने चुनाव उसी मांगी। ऐसे छोटी मोटी चीज मत मांगो, करो ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो आपका जीवन में सब कुछ मिल जाएगी। आपको पता है वो क्या चीज है?
बताओ कि वो कौन सा चीज है जो एक चीज मांगो जीवन में सब कुछ मिल जाएगी, बताओ, बोलो। कहते भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान जब रामचंद्र श्री हनुमान के ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि माता सीता को जब लंका से वापस लाए, भगवान राम बोले हनुमान अगर तू नहीं होता तो सीता की उद्धार होना कठिन था, तेरे वजह से माता सीता की उद्धार हुआ है, आज तू मेरे पास में जो कुछ मांगोगे मैं सो कुछ देने के तैयार हूँ, मांग लो जी भर करके मांग लो। देख हनुमान जी क्या मांगते है, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो मेरे को केवल एक ही चीज दो, बारंबार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ। बोले क्या? बोले आपकी चरण की सेवा, आपकी चरण की भक्ति और संतों का संग्रह हमें प्रदान, हमें केवल इतनी सी चीज चाहिए और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जब भगवान की भक्ति मिल गया ना, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो भगवान, वो कैसे वशीभूत होते हैं? बोले केवल भक्ति से। जब भगवान तुम्हारी वशीभूत हो गए सारा दुनिया तुम्हारे हाथ के मुट्ठी में आ गया। बताओ हनुमान को क्या नहीं प्राप्त, बताओ, रिद्धि सिद्धि वैभव सब उनका सब कुछ प्राप्ति। बोले क्यों? कर चुके उनको भगवान की भक्ति उनको मिल गई, इसलिए भागवत क्या आशीर्वाद देता है? बोले भगवान की भक्ति व प्रेम। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा शंकर जी की उपासना की। जब शंकर जी प्रसन्न हो गए बोले बेटा बरमा गो, बोले प्रभु मेरे को 3 वर चाहिए। वो अंधा पहले ही सोच करके आया था भगवान को 3 वर मांगूंगा, पहला वर मांगूंगा मेरे आंख मिल जाए, दूसरी बार मांगूंगा किसी सुंदरी लड़की से मेरी शादी हो जाए, और तीसरी बार मांगूंगा अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी की पीठ के ऊपर में सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखूं। समझ गए ना? बोले बताओ राज महल के ऊपर में हाथी को पीठ के ऊपर कौन बैठता है? राजा महाराजा। बताओ सोने के कटोरी में कौन खाएगा? राजा महाराजा। बोले बेटे को देखूं, बेटा कब होगा? जब शादी हो जाएगी। बोले देखेगा कब? जब आ जाए। शंकर जी ने देखा, बड़ा चतुर है। इसका तात्पर्य यह है भगवान को ऐसे की चीज मांग लो ना, जो एक चीज मांगोगे और जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगी, वह भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले ये भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसलिए इसको क्या करो, खूब इसको पियो। बोले आप पहले बता दिया फल है, फल को हम खाते हैं ना, फल को पीते हो? बताओ तो खाते। आप फल को खाते हो ना, फल को पीते हो? खाते। फल को खाते हैं, पीते नहीं। बोले आप पीने के लिए कैसे बताते हो? बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, और ये ऐसे के दिव्य रस है। आप बताओ जब किसी जूस को रस को पान करते हो किधर से पान करते हो? बोलो किधर से पीते हो? कोई चीज को जब पीते हो किधर से पी रहे हो? मुंह से। मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पान कर रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे एक रस है जिसको मुंह से नहीं पीती जाती है, जिसको कानों से पी जाती है। कहते मुंह और कानों में पीने में थोड़ा फर्क है। अब देखना कोई भी चीज जब आप मुंह से पियोगे नीचे निकलेगा, आप रख नहीं सकते, वो नीचे निकल बाहर निकलेगा, लेकिन जो चीज आप कानों से पियोगे वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर में रहेगा। इसलिए कहते भैया इसको खूब पियो इसको। बोले बोले कब तक पियेंगे? बोले आ लयम। बोले पी पी करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक पीते रहो। बोले जब होश आएगा बोले फिर पियो। जैसे कि शराब पी, तब तक शराब पीता है,
पी पी करके जब तक वो बेहस नहीं हो जाता फिर उठता है फिर पीता है। इसलिए कहते हैं उसी तरह ये रस को पीते रहो। और ये ऐसे के रस है ना जो एक बार पी लेगा, देखो ध्यान देकर सुनो, अगर किसका पिता अगर शराब पीता है, किसकी पिता अगर शराब पीता है, वो कभी भी अपना बेटे को कभी नहीं बोलेगा बेटा तू पी, कभी बोलेगा? कोई पिता कभी भी किसी बेटे को बोलता है तू पिया कर बेटा शराब? कोई पिता बोलता है? कोई नहीं बोलता है, बोले बेटा तू सावधान रह, मैं पी पी करके अपना जीवन को मैंने बर्बाद कर दिया है, लेकिन तेरे जीवन बर्बाद नहीं होनी चाहिए, तू ये चीज से दूर रहो। लेकिन ये ऐसे के रस है भागवत रस, अगर एक बार कोई पी लिया ना, अगर पिताजी अगर एक बार पी लिया बोले बेटा तू भी एक बार पी करके दे, कितने आनंद है इसमें। अगर कभी बेटा भी अगर पी लेगा ना बोले पिताजी आप भी थोड़ा पी करके देखो, अगर पत्नी भी थोड़ा कथा रूपी रस को पी लिया वो पति को भी बोलेगा एक बार आप भी जाओ आप एक बार पी करके देखो इसमें कितने आनंद है। हमारे फूका राम प्रभु जी पिए, लेकिन पिए तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरे सबको पिलाया, भैया आप सबके सब पियो, देखो इसमें कितने ये रस में कितने आनंद है, हाँ आप भी थोड़ी एक बार पी करके देखो ये भक्ति रस में कितने आनंद है। इसलिए जो पिएगा ना वो दूसरों को पिलाएगा, फिर ऐसे नहीं अपना पकेट से पैसा खर्चा करके पिलाएगा, पकेट से पैसा खर्चा करके फिर पिलाएगा है। इसलिए कहते भैया इसको पियो खूब पियो, बोले भैया पीते तो है लेकिन वो सब निकल जाती, इधर पीते हैं और दूसरे तरफ से निकल जाती है, फिर क्या करनी चाहिए, बोले मुंह रहो इसको पुनः पुनः इसको पीते रहना। एक उदाहरण दिया मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, प्रश्न कर रहा हूं, जैसे कि घड़ा है लेकिन वो घड़ा में एक छेदी छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा बताओ, पानी क्या होगा, पानी सब निकल जाएगी। आप बताओ ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही वो घड़े में जितने छेद क्यों नहीं हो अगर उसमें पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, भले ही इसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, बताओ तो क्या उपाय है, बोलो ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही जितने छेद क्यों नहीं हो पानी डालोगे एक बूंद भी नहीं निकलेगा, बताओ क्या उपाय है, आपको आप भूल गए सो के साथ, हाँ पानी में अगर वो घड़े को पानी में ही अगर डुबो करके रखोगे है? अगर जितने पानी डालो फिर पानी निकलेगा, क्यों वो ऑलरेडी पानी में ही डूबा हुआ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारी अंदर में काम है क्रोध है लोभ है मोह है हमारी अंदर में, लेकिन अगर हर समय ये भक्ति रूपी रस में कथा रूपी रस में डूबे रहोगे ना कभी निकलेगा नहीं। देखो जैसे हम यहाँ कथा में बैठे हैं है ना, हम सबका अंदर में काम क्रोध लोभ है सबका अंदर में, लेकिन आपको कोई काम सता रहे हैं ना, कोई लोभ सता रहा है ना, कोई मोह सता रहा है, कुछ सता रहे हैं अभी, कुछ नहीं सता रहे हैं, लेकिन केवल ये कथा से बाहर निकलो देखना फिर संसार की कामना वासना मोह माया फिर आकर के पकड़ लेगा। लेकिन जब तक कथा में बैठे रहोगे ना ये तुम्हारी कुछ भी ये विरह नहीं सकता है। अगर हर समय हम भगवान की कथा रस में अगर डूबे रहे तो हमारे कुछ होने वाले नहीं। बोले भैया ये रस को कौन पी सकते हैं, बोले ये कथा रस को सभी नहीं पी सकते हैं, दो व्यक्ति ये कथा रस को पी सकते हैं। बोले कौन कौन, बोले एक भावुका और एक रसिका, ये केवल ये दो व्यक्ति ही कथा रस में बैठ सकते हैं, वही कथा सुन सकते हैं। इसलिए से शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि जपद आपदया
ये कथा रस को कौन पी सकते हैं? बोले दो व्यक्ति पी सकते हैं, एक भावु का और एक रसी का। और शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होई पाप गहिरिया संगत सुन। जिसको पर में भगवान की विशेष कृपा हो। उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे घर में बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में शादी हो रही है, बताओ उसमें कौन आएगा? कौन कौन आएगा? जिसको बुलाओ, निमंत्रण कार्ड भेजोगे। देखना, अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर में, नहीं तो 2000 किलोमीटर दूर में हो, अगर आप उसको निमंत्रण दोगे ना, वो तुम्हारे घर में आएगा।
लेकिन तुम्हारी घर को पास में 9 इंच दीवार के पास में और एक व्यक्ति घर है, अगर आप उसको निमंत्रण कार्ड नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में आएगा? वो आएगा नहीं आएगा। बोले क्यों? आप उसको निमंत्रण नहीं दिए। इसलिए शंकर जी कहते हैं, प्रभु जी पार्वती ये कथा में कौन सुनने के लिए कथा को आ सकती है? बोले वही आ सकते हैं जिसको ठाकुर जी निमंत्रण कार्ड भेजा है। ठाकुर जी जिसको निमंत्रण कार्ड भेजा ना, इसलिए कृष्ण जब बंसी वट में बंसुरी बजाए, इसलिए ब्रज में कितने लोग थे, उनको सखा सखी ग्वाल बाल सारा दुनिया थे, लेकिन जब भगवान बंसी वट को नीचे बंसुरी बजाए, बताओ वहां पर कौन कौन आए? केवल एक व्यक्ति आए है, केवल गोपियां आई है। इसलिए भगवान की जो बंसुरी ना, उसकी आवाज जो दो तरह का है, कहते एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपी भूत मनोहर। कभी कभी भगवान ऐसे बंसुरी बजाते हैं जो बंसी को सभी सुन सकते हैं, सारे सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी बंसुरी ऐसे बजाते हैं जिसको केवल गोपियां ही सुन सकती हैं और कोई बंसुरी की आवाज नहीं सुन सकते। इसलिए कृष्ण बंसी बटक नीचे जो बंसुरी बजाए वो केवल गोपी भूत मनोहर है, वो केवल गोपियों की ही बुलाना चाह रहे थे, इसलिए बंसी बटक में और कोई नहीं आए, गोपियां ही आई है। जब आए कृष्ण क्या कहते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा। कृष्ण उनको संबोधन करते हैं, कहते जगत में सबसे ज्यादा सौभाग्यवती अगर कोई हो, बोले तुम लोग जगत में सबसे सौभाग्यवती। बोले क्यों? बोले सब काम को पीछे रख करके ये रास में आए। तात्पर्य यह है जो कथा सुनने के लिए आते हैं ना, भगवान आप सबको भी स्वागत करते हैं। क्यों? आप सबको घर में कुछ ना कुछ काम है कि नहीं? बिना काम से तो कोई होता ही नहीं, घर में कुछ ना कुछ काम है तुम्हारे, लेकिन सारे काम रहते हुए भी लेकिन आप लोगों ने सारे काम को पीछे करके कहां पर आए? कथा में आए, कथा में आए हो, इसलिए जो कथा में आते हैं भगवान को स्वागत करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दो व्यक्ति ही कथा में आते हैं, जो रसिका और श्री भागु का है। बोले भैया ये कथा रस को जो पान करते हैं, सब तो पान करते हैं, लेकिन सर्वोपरि हैं सबसे बढ़िया रूप में कौन इसको पान करते हैं? बोले ये ब्रज की गोपियां हैं, इसलिए इनका नाम है गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति प्रेम रस को जो नित्य निरंतर पान करती हैं, कहती श्री ब्रज की गोपियां हैं। तो गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे। बोले एक समय ब्रज में कोई एक नवेली आए, नवेली जानती हूँ जो नए शादी करके आए। ब्रज में कौन आती है शादी करके? वो साधारण लड़कियां नहीं, ये पूर्व पूर्व जन्म में जो श्रुतियां थी, कठोर तपस्या की, दंडकारण्य में जो ऋषि लोग कठोर तपस्या की, बड़े बड़े जोगी ऋषि पूर्व पूर्व जन्म में जो कठोर तपस्या की, वही ब्रज में ही गोपी बन करके आती है, वो साधारण कोई लड़कियां नहीं। जब एक नवेली घर में शादी करके आई, अभी कृष्ण रोज गैया चराने के लिए जाते हैं और जाते समय बड़ी मीठी मीठी प्रभु बंसुरी बजाते हैं। बंसी ध्वनि सुनते ही सबके सब गोपियां घर का जहां काम है ना वहीं पर छोड़ देती हैं और दरवाजा में आकर के घूंघट उठा करके, जैसे आप लोग घूंघट डाल दो ना, ये ब्रज की गोपियां ऐसे घूंघट डाला करती थी, खाली सर में कोई नहीं रहती थी। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, घूंघट डालकर रखनी चाहिए। लेकिन आप अभी भी, आप राजस्थान के जो माता है ना, अभी भी आप ये प्रथा को अभी भी रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखो जब तक आप इसी संस्कृति को रखा करोगे ना, समझो तब तक हम सुखी रहेंगे। जब ये संस्कृति खत्म हो जाएगी फिर सुख शांति नहीं मिलेगा, हाँ शांति सुख नहीं रहेगा। अभी आप लोग ये संस्कृति को रखा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डाइवोर्स झगड़ा अशांति तरह तरह का हाँ इतने डाइवोर्स फाइवर्स दुनिया में क्यों हो रहा है? इसलिए आप लोग अभी उसी संस्कृति को अभी तक आप रक्षा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और ये संस्कृति को कोशिश करना, ये संस्कृति को रक्षा करने के लिए कोशिश करना, ये हमारी संस्कृति है, हाँ? इसलिए गोपियां तुम्हारी जैसे ना ऐसे घूंघट रखा करती थी गोपियां,
अभी गोपियां ऐसे अपना घूंघट को उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रही थी, क्योंकि कृष्ण सवेरे गैया चराने के लिए जाएंगे तो आएंगे कब, शाम को आएंगे, पर दिन भर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा। अभी वो जो नई गोपी आई ना नवेली, वो कहती है मैं भी कन्हैया को दर्शन करने के लिए जाऊंगी, लेकिन उसको सास ननद मना करती है, बोले मत जाया करो। बोले क्यों? बोले वो काला सांप अगर एक बार काट दिया ना, वो जहर पर उतरेगा नहीं, सारे जहर तो उतर जाते हैं, लेकिन वो काला रंग चढ़ना दुजर रंग, उसको पर फिर कोई दूसरे रंग ही नहीं चढ़ती है। बोले बोले तुम डोकरी होकर के भी तू जा रही हो दर्शन करने के लिए, तेरे को काटेगा नहीं? बोले मेरे को नहीं काटे, काटेगा तो तेरे को ही काटेगा। क्योंकि वो जो गोपियां हो गए साधारण तो है नहीं ना, वो कठोर तपस्या करके भगवान को प्रियतम रूप में वो आए हैं, हैं? इसलिए बोले ये डोकरा होकर के ससुर भी जा रहा है। तब उन्होंने बहुत मना की, बोले तब जब सब दुनिया जा रही है, ननद भी जा रही है, मैं भी तो जरूर जाऊंगी। अब ये गोपी मानी नहीं, घर को सामने दरवाजा को बाहर निकली और ऐसे घूंघट उठा करके देख रहे थे। अभी कृष्ण को तो पता है कौन गोपी कहां पर किस रूप में मेरे को पुकार रही है, देख रही है। वो नई गोपी आई, कृष्ण उसकी भाव को बढ़ाने के लिए बोले अभी उसको पास में जाए कैसे, कृष्ण एक बहाना बनाया, एक बछड़े का मुंह उस तरफ में करके उसका पूछ को ऐंठ दी। वो ऐंठते ही वो बछड़ा फुदकते हुए वो गोपी को पास में पहुंच गया। कृष्ण वो बछड़ा का बहाना बना करके सीधा पहुंच गए वो गोपी को पास में, और जो बंसुरी थी बंसुरी को गोपी की कपोल में काल में थोड़ा स्पर्श कराया और एक बार उनको तेरे से चितवन से देखा। बल भगवान की तेरे से चितवन वो तीर है, उनकी मिठी मुस्कान नहीं, वो जादू है, हैं? और उनका जो स्पर्श मिला, इतने में तो गोपी कृष्ण प्रेम में तो सरावर हो गए, प्रेम में डूब गए, और कृष्ण उसकी मन प्राण चित्त को लेकर के कृष्ण पुरा के पुरा चले गए। जब चले गए और वो तो ठगी सी ठगी खड़ी सी खड़ी रह गई, उनको सास ननद देखा, भैया हमारे बहू कहाँ गई, हमारे सबके सब तो वापस आ गए लेकिन अभी तक तो बहू नहीं आई। अभी सास ढूंढते ढूंढते आकर के देखा, वो तो एकदम उसका मन प्राण चित्त तो कन्हैया लेकर चले गए, वो तो ठगी सी ठगी खड़ी। सास ने बोली तेरे को मैं पहले मना कर रही थी ना, तू मत जाया करो, वो काला सांप काट जाएगा तो मेरे जहर नहीं उतरेगा, वो काट ही दिया ना, और सोच रही है इसको कुछ काम में लगा दूं, हो सकता है मन उसकी वापस चला आएगा। बोले बैठो यहाँ, बैठ करके दधि मंथन करो। थोड़ी देर बाद में सास आकर के देखती है, दधि मंथन क्या करेगा, और राई को मंथ रही कि उसका मन नहीं है ना, वो मन तो और गई कृष्ण को पास में। बोले इसको थोड़ी सी चलने फिरने का काम में लगा दो। बोले जाओ कुएं से पानी भर करके ले आओ। आप लोग गांव में होते होंगे देखना, एक दो तीन कलसी सर पर रख करके हैं वो जाते हैं गांव में कुएं में पानी भरने के लिए, और एक बच्चे को हाथ में पकड़वा दिए, जाओ पानी भर करके ले आओ। कुछ गोपियां वहां पर पानी पहले से ही भर रही थी, और ये गोपी वहां पर गई, जो रस्सी था ना उसका फांस घड़े में क्या लगाएगा, उसको साथ में जो बच्चा था उसकी गले में ही उसका फांस लगा दी और लगा करके कुएं में डाल रही थी। इतने में सब गोपियां बोले भैया इसको तो भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। लेकिन वहां पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियां थी, बोले इसको भूत नहीं पकड़ा, इसको नंद बाबा मैया जसोदा का पूत पकड़ लिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यद्यपि ये भक्ति रस को सभी ने पान किए हैं, लेकिन पूर्ण रूप में कौन पान की, बल ब्रज की गोपियां यही लोग पूर्ण रूप में प्राप्त की। मतलब है ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं यद्यपि कृष्ण को भक्ति सभी ने की है, लेकिन गोपियों ने जैसे भक्ति की ऐसे भक्ति दुनिया में कोई नहीं की। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण का सर्वोत्तम भक्त, वो क्या चाहते हैं, गोपियों के चरण की धूल पाना चाहते हैं। शंकर जैसे व्यक्ति हम आगे सुनेंगे, शंकर जैसे व्यक्ति गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन करने के लिए आते हैं। नारद जैसे भक्त, गिरिराज में गए हो वहां पर नारद कुंड है,
वहां पर नारद जी वहीं पर बैठ करके गिरिराज तलेटी में भगवान को आराधना की, हमें गोपी स्वरूप प्राप्त हो। नारद जी को नारद ये गोपी बने, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति हैं। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, पिताजी जगत में बहुत सारे तो भक्त हैं, लेकिन आप गोपियों की प्रेम को पाने के लिए 60,000 साल तपस्या क्यों की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विचारी, ये राधा जी की कायब भी हो, राधा जी की एक एक भाव ही ये सब गोपियां बनी हैं। इसलिए भागवत यही आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री जय, जय श्री जय, जय श्री राधे। इसलिए गतकाले हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब ये घोर कलयुग आ गया, स्वर्णकार ऋषियों ने डरते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले पितामह ब्रह्मा जी ये कलयुग से बच्चे कैसे। ब्रह्मा जी मन से एक चक्र प्रकट करके फेंका, वो जाकर के नैमिषारण्य में गिरा, वहीं पर स्वर्णकार ऋषि लोग भजन कर रहे थे। जब श्री सुतो गोस्वामी आए, बोले हे सुतो गोस्वामी ये घोर कलयुग है। बोले कलयुग का क्या स्थिति है। बोले प्राण अल्पायुष सभ्य कला भस्मी जुगे जना मंदास्थु मंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। प्राय करके कलयुग का परमायु कम हो जाएगा। सत्ययुग में 1,00,000 साल जिंदा रहते थे, जब आ गया तृतीया युग उससे 1 सुन हटा दो कितना रह जाएगा, रहेगा 10,000 रह गया। बोले जब द्वापर युग आएगा उससे 1 सुन हटा दो कितना होगा, 1,000। द्वापर युग में कलयुग में 1 सुन हटा दो कितना रह जाएगा, 100। जब धीरे धीरे कलयुग का परमायु बढ़ेगी कलयुग 100 से 1 सुन हटा दो बताओ कितना होगा, कुछ दिन बाद में लोग 10 साल रह जाएगी, और 10 से 1 सुन हटा दो तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। जब घोर कलयुग आएगा 1 साल जिंदा रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। धीरे धीरे आप देखना हर चीज में ये हाइब्रिड देकर के हर चीज बन रही है। अभी आप कोई चीज प्योर नहीं मिल रही, हर चीज प्योर मिलता था इसलिए लोग खाते थे, शरीर में ताकत आती थी। अभी फिर पिज्जा पास्ता ये अंग्रेजों का खाना पर आ गया, पहले तो लोग रोटी सब्जी डाल खाते थे, अभी बर्गर और पिज्जा पास्ता जो केवल शरीर को हानि करने वाली कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए धीरे धीरे लोग का परमायु धीरे 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 घटते जाएगी धीरे धीरे, और कभी आएगा ये वर्णन भविष्य पुराण में आया है, जो बैगन है ना बैगन भी तोड़ नहीं पाओगे, आंकड़ी बना करके बैगन तुमको तोड़ना पड़ेगा। बैगन पेड़ कितना इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, वरना आया है इंसान इतने इतने बड़े रह जाए। अब पहले लोग देखो कितने लंबे चौड़े होते थे, अभी इतना लंबे रहते नहीं। फिर पहले क्या होता था, सब व्यक्ति ना ब्रह्मचर्य पालना करते थे, लड़कियां लड़का भी ब्रह्मचर्य। लेकिन जो इंटरनेट आ गया, मोबाइल स्मार्टफोन आ गया, ये इतने जीवों को बिगाड़ दिया। अभी सुने होंगे 12-13 साल लड़कियां गर्भवती हो रही हैं, इतने साल की लड़कियां अभी गर्भवती हो रही हैं। जो उम्र करना लड़कियों को 15-18 साल में जो लड़की का चिन्ह दिखने चाहिए, अभी 10-12 साल में वो लड़कियों के अंदर वो चिन्ह दिख रहा है। बोले क्यों, स्मार्टफोन मोबाइल इंटरनेट और जो टीवी है, कभी ये कली साक्षात रूप में ये रूप लेकर आया। हमारे गुरु जी कहते थे ये कली साक्षात इंटरनेट मोबाइल लेकर वो रूप साक्षात लेकर आए, ये दुनिया को सब बिगाड़ रहे हैं। आपको ज्यादा पता है, दिन भर बच्चे लोग हैं, दिन भर स्मार्टफोन को लेकर के दिन भर कथा में देखा, कथा में कोई बैठा हुआ बच्चे यहाँ पर भी उसको लेकर बैठे हुए, यहाँ पर भी लेकर के यहाँ पर बैठ, इतने बच्चों को ये बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहेगी नहीं। पिता माता इतने परेशानी, कुछ दिन पहले के न्यूज पेपर निकला था उसमें 20 पॉइंट दिया था ये मोबाइल बच्चों को कितने बिगाड़ रहे हैं, और इसी की वजह से पिता माता कितने परेशानी है। हम देखा 5-6 लोग एक जगह पर बैठे हुए, 5-6 लोग बैठे हुए कोई बात नहीं कर रहे, केवल मोबाइल में देख रहे, 5-6 लोग बैठे हुए आपस में कोई भी बात नहीं कर रहे, वो उस मोबाइल में लगे हुए, वो मोबाइल में लगे हुए।
इसलिए बोले कलयुग में परमार्थ धीरे धीरे कम होगा और परमा कलयुग में बोले प्राप्त कलयुग घोरा नरा पुण्य विवर्जिता। देखना कलयुग में जीव का जो मन है स्वाभाविक रूप में गंदे काम में जाएगा, धर्म में लगाने के लिए उसको खेच घाच करके कहीं धर्म में लगाना पड़ेगा, लेकिन बुरे कर्म में स्वाभाविक रूप में उसको मन जाएगा। और कलयुग में नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे, दुराचार सारे गंदे काम में मन लगाएंगे और सत्य वार्ता परान मुखो, सच कोई नहीं मिलेगा, झूठ सबके सब बोलेंगे हैं। इसलिए फिर क्या होगा बोले मंदा सुमंदा बते हो, कलयुग में जो मन है वो स्वाभाविक रूप में मंद बुद्धि बनेगा, फिर मंद भाग्य छुप द्रुता। फिर कलयुग में क्या होगा बोले सुमंद मते हो, बहुत ही मंद खराब बुद्धि खराब होगा। मेरे को कोई बोल रहे थे, हम कल गए थे अशोक बाबू जी घर में, कल गए थे वो बोल रहे थे पहले तो हम लोगों के ऊपर में कुछ संस्कार पड़ा है, हम तो प्रभु की तरफ में थोड़ा मन लगा रहे, लेकिन अभी के जो लड़का लड़कियां उनको भक्ति में एकदम इच्छा मन ही नहीं, इनको बोलने पर भी बच्चे मानते भी नहीं हमारे, बोले तुम क्या जानते हो हम इतने एजुकेटेड, हम PhD डॉक्टर इंजीनियर हम बने, तुम क्या जानते हो अनपढ़ तुम लोग, अब तो सब जानते हैं अभी, इनकी भक्ति में एकदम मन है ही नहीं इनको, और उनको बोलने पर भी भक्ति भक्ति में लगते ही नहीं है सबके सब। इसलिए बोले कलयुग में झुपद्रुता मतलब है अगर माताएं अगर थोड़ी सी भक्ति करे भजन करे हैं, पति बोलेगा कौन सा बाबा जी की चक्कर तू पड़ गई हैं, इसो माला कंठी तिलक लेकर बैठ गई तुमने, अगर पति अगर कहीं सत्संग में आए, अगर पति भी थोड़ी भजन करे, पत्नी भी हैं, पत्नी भी भजन करने नहीं देगा, बोले काम धाम कुछ नहीं, दिन भर देखो जब देखो गीता भागवत लेकर बैठे रहे तो काम करना नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा अगर थोड़ा भजन में लग जाए तिलक कंठी लगाए, बोले ये तेरी कोई उम्र है अभी से सब तिलक कंठी किया, लेकिन अगर शराब पीता ना सिगरेट फूंकता बोले वेरी गुड मेरे बेटा तो बहुत एडवांस कर रहा है, क्यों सिगरेट फूंक रहा है ना शराब पी रहे हैं, लेकिन अगर कंठी माला तिलक लगा ले बोले ये तेरी कोई उम्र है अभी भजन करने का, लेकिन ये उम्र है तुम्हारी हाँ सिगरेट फूकने का शराब पीने का ये उम्र है। इसलिए कलयुग में सुत गोस्वामी कहते हैं ये कलयुग में जीव का दुर्दशा बड़ी गंदी दुर्दशा है। तो उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना ये कहते संपूर्ण भागवत ये 6 प्रश्न का उत्तर है। हाँ अभी मैं 6 प्रश्न बोलूंगा, कल आपसे मैं सुनूंगा देखूंगा मैं कौन बोल पाता है, जो बोल देगा ना मेरे को मैं उनको बढ़िया इनाम दूंगा, इसलिए हम देखते हैं कल 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 मैं आपसे सुनूंगा, एक मन से सुनो। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये तो याद रहेगा आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि आप देखना हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं शांति सुख के लिए है ना, शांति सुख के लिए करते हैं, लेकिन आप देखना जैसे सामने एक समस्या है हम सोचते हैं अगर किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाए जीवन में चैन मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना वो एक समस्या तो तुम्हारी दूर नहीं हुई, सामने 3 समस्या खड़ी रहती है। फिर सोचते हैं अगर किसी तरह से ये 3 समस्या हल हो जाए हमें चैन मिलेगा, देखना वो 3 समस्या तुम्हारी थी गई नहीं, सामने 5 समस्या रहती है। जैसे मकोड़े जाल बनाते हैं ना, वो बनाते बनाते उसी में ही प्राण त्याग देते हैं, हम भी ऐसे समस्या को दूर करते 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 जीवन हमारी खत्म हो जाती है। इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, इसलिए ये जो शांति है ये एक अनमोल वस्तु है। अगर हमारे पास में पैसा है लेकिन ये शांति नहीं, बताओ वो पैसा की कोई महत्व है तुम्हारी, घर में बेटा बेटी दुकान बकान तुम्हारे पास में सब इज्जत है लेकिन तुम्हारे घर में शांति नहीं, वो वस्तु का कोई महत्व है बताओ, कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर सुख है दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना वो सबसे बड़ी वस्तु है, इसलिए जगत में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु है शांति। इसलिए इनका पहला प्रश्न है शांति आत्मा को कैसे मिलेगी, करोड़ रुपया की ये प्रश्न है। दूसरी प्रश्न है कल हम सुन रहे थे वो शांति कलयुग में भगवान को मिलने का सबसे सरल उपाय किया, यदि जो प्रश्न है ना वो एक प्रश्न से जुड़ा हुआ है, सब प्रश्न जुड़ा हुआ है,
इसलिए बताए कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या, क्यों बोले जब तक तुम्हें भगवान नहीं मिल जाते हैं, भले ही दुनिया की सारी संपत्ति तुम्हें मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी एक धारणा है, शायद ज्यादा पैसा कमाएंगे ना शांति हो जाएगा। अब रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम सुने हो बताओ? रावण का कौन सा लंका थी? सोने का लंका है ना, सोने का लंका थी ना। जीवन में कितने पैसा हम कमा लेंगे? 10 किलो सोना, 20 किलो सोना, 100 किलो सोना, उसको पूरा लंका ही सोना ही सोना, बेडरूम भी सोना उसको है, उसको डाइनिंग रूम भी सोना, उसकी किचन रूम भी सोना, उसको टॉयलेट भी सोना, सब सोना ही सोना ही सब के सब। हम सोचते हैं शायद किसी सुंदरी लड़की और लड़का से शादी कर लेंगे ना, शायद हम सुखी बन जाएंगे। रावण का पत्नी का नाम क्या थी आपको पता है? मंदोदरी मतलब क्या होता है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत पतली थी। वो विश्वकर्मा की बेटी थी, विश्वकर्मा जो सारा आर्किटेक्टर सारा दुनिया की हैं। इसलिए उसने उसने सबसे सुंदर सुंदर रूप देकर अपना बेटी को उसने बनाई थी हैं। इसलिए उसी समय वो तो विश्व सुंदरी थी, उसकी पत्नी है। सोचते हैं शायद बेटा हो जाएगा तो बढ़िया, बेटा शांति मिल जाएगी। उसको बेटा का नाम क्या था? मेघनाथ, इंद्रजीत था उसका नाम हैं, इंद्र को जिसने परास्त कर दिया। अब रामायण देखे होंगे, जब हनुमान जी को मेघनाथ बांध करके नागभास बंधन में ले गया, रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? अब देखना जब हनुमान जी को रावण को सामने खड़े कर दिया, अब देखे होंगे, देखा उसको घरे, उसको पिताजी हनुमान जी के पिताजी घर में झाड़ू लगा रहा था। बोले हाय रे, मेरे पिताजी घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पवन कुमार अग्नि देवता जिसको पूजा करते हैं, तेरा घर में कपड़ा साफ कर रहा था। ब्रह्मा जी को देखा, दुनिया को जो सृष्टि करने वाले, वेद सुना रहा है। काल को देखा, उसको प्यार नीचे दबा करके बैठा हुआ। और जिन जिन देवता को हम घर घर में पूजा करते हैं ना, 33 करोड़ देवता को, इंद्र चंद्र वायु वरुण और जितने शनि रवि मंगल, बांध करके चारों तरफ में रखा, सबके सब बांध करके, सबको सब सबके सब हनुमान को प्रणाम कर रहे थे, प्रभु मुक्ति करो, ये दुष्ट को मार करके हमें मुक्ति करो। इतने बलवान रावण था, इतने ऐश्वर्यवान, लेकिन शांति नहीं, अशांत चित्त उसको अशांत था। इतने भोग करते करते भी शांति नहीं मिली, फिर जगदम्बा जगजननी माँ सीता को उठा करके ले गया उसको, और लंका खत्म। सबके सब दुखी थे, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति चैन से जिंदा रहा था, और सबके सब बेचैन में रह रहे थे। जानते हो चैन में वहां कौन रह रहा था? कौन रह रहा था चैन में? एक विभीषण रह रहा था चैन में। बोले क्यों? बोले राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी सुख शांति नहीं मिले। हम कितने पैसा दुनियादारी कितने बना दो हैं? एक व्यक्ति को ऊपर से पूछो तुम कैसे, बोले मुंडी हिलाएगा ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बात पूछो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई ऑफिस से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से दुखी, आप पूछो दुनिया को, ये दुखी दुखी, ये सारा दुनिया दुखी दुखी है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी केवल वही है जो भगवान। इसलिए इनका जो पहला प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया की ये प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न है, आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
कृष्ण गीता में जो प्रतिज्ञा किया है, हैं? जब जब जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होती है, साधु संतों के ऊपर में स्त्री पृथ्वी गौ वेद के ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, तब तक भगवान जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करते और संतों को पालन करते हैं। इसलिए केवल हमें कृष्ण कथा नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, उनके सारे अवतारों की कथा में सुना है, सारे अवतारों को कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, भगवान के अद्भुत जो जस है पराक्रम की कथा सुनाओ। और छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए, ये धर्म कहां पर अपना आश्रय लिया। जब उन्होंने ये प्रश्न को की, ये प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी का रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? बोले इनके जितने प्रश्न है ना, कोई दुनियादारी प्रश्न नहीं, ये सब सब सबके सब भगवत संबंधी प्रश्न है। यहाँ शिक्षा देते हैं, संत कब प्रसन्न होते हैं, संत कब प्रसन्न होएगी, जब उनको जा करके भगवत संबंधी प्रश्न करोगे। दुनिया के प्रश्न करके तो दुखी हो जाते हैं। बोले क्यों? असली संत कौन है, असली संत कौन है? तद मत कथा मत कथा चिंता वधयन्ते परस्परम, जिनका जीवन ही प्रभु का प्रेम है। कथा तो केवल प्रभु की कथा, चिंतन तो प्रभु की चिंतन, भक्ति तो प्रभु की भक्ति में जो डूबे हुए हो। अगर उनको दुनियादारी की बात करोगे तो क्या होगा, हम उनको भगवत चिंता को छुड़ा करके उनको हम संसार की बात में ले आए, संत प्रसन्न नहीं होते। जब उनको हरी चर्चा करेंगे तभी उसी में ही शांति है, और जिसमें शांति है ही नहीं, सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए। बोले पहले अपना गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते ही बोले बंदाओं गुरु पद पदो मापरागा, गुरु पद पदो कहीं भी जाओ सत्संग में, कहीं भी जाओ, कहीं कीर्तन हो ना, सब जगह में बोलते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। प्रभु जी बोल रहे थे, एक संत ने पूछा भैया ताली बजाने से होता है क्या? बोले ताली बजाने से सब कुछ हो जाता है। बोले ताली बजाने से क्या होता है? देखो उसमें चार फायदा है। कितना फायदा है देखो, मैं अभी मैं बताऊंगा, कल आपसे सब सुनूंगा। पहला फायदा है, आप सुने होंगे एक एक्यूप्रेशर, नाम सुना एक्यूप्रेशर, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं वो हाथों से सारे बीमारी को सही करते हैं। क्योंकि जो भक्ति है ना, ये साइंस है, ये भक्ति एक साइंस है, इसको मत समझो ये मन की एक भाव है। नहीं, हमारे ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो छोटे मोटे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन नहीं। जगत में देखना बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, एक साइंटिस्ट ने तक एक फिलोसफी बता कर गया, दूसरा साइंटिस्ट आकर उसको काट कर चले जाता है।
इसलिए बच्चों का कभी कभी देखना पुस्तक बदलती है, बदलती कि नहीं बोले क्यों, न्यूटन सर हम कहते हैं, वो पृथ्वी का सबसे बड़ा ये साइंटिस्ट था, अभी अभी का जो साइंटिस्ट लोग उसको बहुत गलत दिखाते, बहुत गलत बोल कर गया है। इसलिए देखना बच्चों का पुस्तक बदलती है कभी कभी, बोले क्यों, एक दूसरा का फिलोसफी काट देता है। आप बताओ रामायण का कोई एक श्लोक अभी तो किसने काटा है, ये गीता की कोई श्लोक अभी तो कोई काटे है, रामायण का जब चौपाई को एक चौपाई किसने बदलाया है, गीता का कोई श्लोक अभी तो कोई बदला है, गीता की बदला ही है? नहीं बदले, बोले क्यों, ये प्रॉपर साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान की भक्ति करते करते दिव्य हृदय में, जब हृदय शुद्ध हो जाता है वो दिव्य हृदय में जो वस्तु प्रकट हुआ वो चीज को बताए, लेकिन साइंस में वो जो अपना इंद्रियों को द्वारा जो अनुभूति करते हैं ना वो चीज को बताते हैं, लेकिन बताए हमारे इंद्रियों में चार दोष है। कितना दोष है? चार दोष है। बोले क्या क्या चार दोष? बोले पहला नंबर है भ्रम। बोले भ्रम मतलब क्या होता है? बोले एक चीज को देख कर दूसरे चीज ज्ञान होना। जैसे आप अगर समझोगे साइंस क्या बोलता है, इन्हीं आंखों से जो चीज को देखेंगे वही सच मानेंगे। देखो चीज को समझो, ये आंखों से जो चीज देखेंगे वही चीज तो मानेंगे। देखो ये आंख कैसे धोखा देती है, जैसे फैन है, देखना कोई कोई फैन जब बहुत तेज घूमती है, वो घूम रही है ऐसे, लेकिन देखना कभी लगेगा वो उल्टा घूमती है, देखे कि नहीं, क्या वो उल्टा घूम रही है? नहीं, आंख धोखा दी कि नहीं। गाड़ी में जा रहे हो, बहुत गर्मी है, देखना पीछे रोड के ऊपर नहीं, कभी कभी ज्यादा गर्मी होना दूर से पानी 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 दिखता है, लेकिन आप पास में जाओ वो पानी नहीं है, वो तुम्हारे धोखा दे दी कि नहीं, वो धोखे दी कि नहीं, वो धोखे दे दी तुम्हें। इसलिए कोई पहिया जैसे ऐसे घूमे, बड़े तेजी से घूमे पहिया, वो घूम रही है ऐसी, लेकिन आपको लगेगा जैसे उल्टा घूम रही, तो तुम्हारी ये आंख तुम्हें धोखा दी कि नहीं। इसलिए ये साइंटिस्टियों का इसीलिए गलत होता है, इन्हीं आंखों से जो चीज को देखते हैं तो आंखों में जो देखेंगे वही तो मानेंगे ना। नहीं, ये आंख में चार दोष है, ये भ्रम है, प्रमाद है, कर्णापाटक और विपुल बताया। हाँ, इंद्रिय में बहुत सारी कमी, जैसे रात में जाए एक रस्सी पड़ा हुआ अंधकार रात में, बोले साफ 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 साफ, लेकिन वो साफ नहीं, वो रस्सी है। देखना एक नमक होता है, हाँ, एक नमक होता है, जो नमक होता है वो नम है तो नमक, लेकिन लगता है जैसे पत्थर जैसे कोई चीज, लेकिन वो नमक है। ऐसी जगत में बहुत सारी चीज है जो एक चीज को देख करके हमारे दूसरे चीज भ्रम होता है, इसलिए ये साइंटिस्टियों का सब गलत होता है। लेकिन ऋषि मुनियों का क्यों गलत नहीं होता? कारण है वो भगवान की भक्ति करते करते उनका हृदय जब संपूर्ण ये माया की वस्तु से ऊपर हट जाती है, वो अपना दिव्य नेत्र से प्रभु का दर्शन करते हैं, इसलिए उसमें कभी दोष हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो भक्ति है ना ये साइंस है, ये भक्ति साइंस है। बताओ ताली बजाने से क्या लाभ है? जो ताली हम जो बजाते हैं उसमें क्या होता है? आपको प्रेशर है। ये पहले चाइना में था, हा? पहले तो भारत में सारे थी, अभी चाइनीज लोग सबसे ज्यादा इसके लाभ उठाते हैं। वो सारे हाथ और पैर जो नृत्य करते हैं ना, ये भी साइंस है। आप लोग जो आप जो साइंस से पढ़े होंगे, देखना सारे नस है वो हाथ और पैर से सारे नस दिमाग में गया हुआ है, हैं? इसलिए जब आप ताली थोड़ी देर ना ताली बजा लोगे थोड़ी समय, उनको आप रामदेव बाबा का योगा देखे हो? कौन कौन देखा रामदेव बाबा का योगा? आप देखना कहता है ना यहाँ पेट दबाओ, हैं? तुम्हारी शुगर सही होगा, यहाँ दबाओ तुम्हारे पेट का लीवर सही होगा, यहाँ दबाओ तुम्हारे ब्रेन सही होगा। आप देखे कि नहीं? आप ताली जब बजाओगे क्या होगा? सारे पेट से दबती कि नहीं? सारी ये पैंट से दबती है, इसलिए अपने आप तुम्हारे शरीर का सारी बीमारी सही हो जाएगा। अब देखना थोड़ी समय ताली बजा लो, शरीर एकदम गर्म हो जाता, ऊर्जा प्रकट हो जाता है, हैं? ऊर्जा प्रकट हो जाएगा तुम्हारे शरीर में। पहला नंबर है बीमारी सही होगा, दूसरा नंबर आप बहुत इंटेलिजेंट बनोगे, क्योंकि जितने नस है वो प्यार हाथ से ब्रेन से गया हुआ। कहते आप ताली बजाओगे तो सारे नस खुल जाओगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बनोगे। तीसरा लाभ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे आप आंगन में गेहूं दाल सुखाने के लिए दिया, अगर कोई चिड़िया आकर के चुभ रहा है खा रहा है, उसको भगाने के लिए क्या करते हो? ताली बजाते हो, वो चिड़िया भाग जाती है। जब हम भक्ति करते हैं ना, वो पाप रूपी चिड़िया कभी कभी आकर के हाथ में बैठ जाती है, लेकिन जब ताली बजाते हैं ना ये पाप उड़ जाती है। लेकिन फिर तो उड़ तो जाती है, फिर जाकर कहां बैठ जाती है? बोले बगल में बैठ जाती है।
हाँ, इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं बलसी वृंदावन बिहारी लाल की। आज क्या व्रत रखे हो, जयकर में आनंद है यार, जोर से बोलो बलसी वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ये तीसरा लाभ, हाँ देखो ये चौथा लाभ सबसे ज्यादा महत्व है, ये चौथा लाभ भी याद कर लेना। जैसे हम घर में अगर ज्यादा दुखी दुखी कहीं हो जाते हैं, मिट्टी सोने में भी हाथ लगा वो मिट्टी बन जाती है, किसी तरह से संसार का दुख कष्टों को हम दूर नहीं कर पाते, फिर क्या करते हैं किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया देखो तो तुम्हारा हाल, ये क्यों संसार का ये दुख इस तरह से जा ही नहीं रहे हैं, एक को बाद में एक, एक को बाद में दुख को बाद दुख आ रही है, बताओ तो क्या, थोड़ा देखो तो आप बताओ ये ज्योतिष क्या तुम्हारी दुख को दूर कर देगा, बल्कि बताएगा भैया ये स्टोन पहन लो, ये स्टोन पहन लो, हैं इससे तुम्हारी ये बीमारी चल जाएगी, ये ग्रह खत्म हो जाएगी। हमने तो कभी कभी देखा किसी व्यक्ति का 10 उनको अंगुल में 10 अंगूठी, 10 है 20 मैंने देखा किसी किसी का, एक 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 दो दो, पता नहीं कौन 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 सा स्टोन लगा कर बैठे, कौन सा स्टोन लगा कर बैठे। इसलिए कहते क्या वो दुख को दूर कर देगा, बोले बोले पैसा ले लेगा, बोले इतना हजार रुपया दो, इतना हजार दो, उसमें तो हमारे बड़े विश्वास हो जाती है, लेकिन भैया उससे दुख दूर नहीं होगा। कहते ये प्रारब्ध ऐसे की चीज है, ये प्रारब्ध ऐसे की चीज है, बड़े बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध को दूर नहीं कर सकते, तुमको प्रारब्ध भुगतना ही पड़ेगा, तुमको जो कर्म करके आए वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये प्रारब्ध को कौन दूर कर सकता है, बोले केवल एक वस्तु दूर कर सकता है, ये भगवान की भक्ति और भगवान के नाम। वाल्मीकि का नाम सुने हो, ये पहले 10 रत्न ना करता, इतने ब्राह्मण हत्या उसने किया सोच नहीं सकते हो। जब नारद जी को पकड़ लिए, नारद जी बोले ये बताओ तुम जो चोरी करके पैसा कमा रहे हो इसका अंशीदार कौन बनेगा, बोले मेरे बीवी बच्चे मेरे पिता माता, बोले देख बेटा ध्यान देकर सुन, ये सुख का समय सारे साथ दे रहे हैं, दुख भोग करते समय कोई नहीं रहेगा, तुम्हें अकेला लेना पड़ेगा, जा पूछ कर क्या। पत्नी से पूछा बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता हूँ तू लोगी कि नहीं, बोले मैं क्यों लू, बाहर काम तेरा भीतर काम मेरा है, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। पिता माता से पूछा तुम लोगे, बोले क्यों तेरे को जन्म दिया ना, लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, पैसा कैसे कमाया हमने ये हमें पता, तू कैसे पैसा कमा तो हमें पता नहीं। बच्चों को पूछे लोगे, बोले क्यों आपका कर्तव्य है हमें लिखा पढ़ा सिखा करके बड़ा करे, जब हम बड़ा बन करके पैसा कमाएंगे फिर हम अपने आप सोचे, बोले बाबा तो सही बता रहे थे, ये तो सब के सब सुख में साथ दे रहे हैं, ये तो दुख में कोई भी आने वाले नहीं, सारे ज्ञान आ गया वापस आया, बोले बाबा सही बता रहे थे। बोले बताओ इतने जो पाप कर्म करके पैसा कमाया उसको कौन लेगा, अभी मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले बेटा बोलो ना, बोलो बोलो, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, उसको मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला है, क्योंकि पापी है ना। देखना कुछ कुछ लोगों को दिन भर बैठ करके बगर बगर दिन भर उल्टा पुल्टा इधर उधर की बात करेंगे, बोलो थोड़ा हरिनाम था एक माला करो, बोले नहीं कल प्रभु जी बता रहे थे ना, तो कल प्रभु जी बता रहे, एक माता जी थी अंतिम सज्जा में लेट हुई थी, तब वो दया रे मैया रे बच्चे को ये दे देना बेटी को देते रहना, सारा दुनिया की बात कर रहे थे। बच्चों ने कहा माता जी आपका अंतिम समय थोड़ा राम राम राधे राधे तो बोलो, उसको मुंह से नहीं निकल रहा था, बोले इतना मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसके पोते लोग बड़े चतुर थे, पोते बड़े चतुर थे, बोले दादी जी तू क्या नहीं बोल सकती हो, क्या तू नहीं बोल सकती हो, वो सोचते थे कम से कम बोलेगी राम राम राधे राधे तो नहीं बोल सकती, इतनी तो नाम निकलेगी, लेकिन वो भी और चतुर थी, बोले तुम जो बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकता और सब बात मैं बोल सकता हूँ, इसलिए देखना भगवान के नाम मुंह से नहीं निकलता है, हैं? इसलिए बोले बोले तू राम, लेकिन उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, इसलिए उल्टा नाम जपत जगे जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। रामायण देखे ना,
उन्होंने लवकुश को, उन्होंने राम आने से पहले उन्होंने रामायण रचना करके उन्होंने लवकुश को उन्होंने पढ़ा दिया उनको। इतने ज्ञानी बने। अगर कोई उल्टा नाम करने पर अगर इतने शक्ति है, अगर कोई सीधा सीधा करे तो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, आप लोग कभी खेती किया होगा भी गांव में, तो आप लोग रहे होंगे। जैसे गेहूं है ना, अब देखना गेहूं का बीज को जमीन में ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन वो उल्टा गिरे नहीं तो सीधा गिरे, किसी तरह से टेढ़े होकर गिरे, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे निकलता है, वो पेड़ सीधा निकलेगा। भले वो बीज उल्टा पड़े टेढ़े पड़े, लेकिन पेड़ कैसे निकलेगा, सीधा निकलेगा। तो भगवान के नाम को किसी तरह से अगर तुम भगवान के नाम को ग्रहण करते हो, उसका जो फल है ना, फल उसको सीधा फल होगा, उसका फल सीधा होगा। इतने भगवत नाम में इतने शक्ति है। इसलिए जब आप ताली बजाओगे, हैं भगवान की भक्ति ही जब ताली बजाओगे, बताओ हम ताली कब बजाते हैं, किसी दूसरे के स्वागत में। हम कहते हैं ना भैया ताली बजा करके उनको स्वागत कर। आप बताओ यहाँ पर जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत में, किसकी स्वागत में, भगवान की स्वागत में। इसलिए भगवान का एक नाम है ईश्वर, कहते हैं ना ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या है, बोले हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते, वो भगवान। दिन को जो रात, रात को जो दिन कर सकते है, मरा हुआ व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते वो भगवान है। अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना, तुम्हारे जो भाग्य रेखा मेरे तरफ में देखो, जो भाई लोग का ना ये सीधा आते हैं, ये देखो ये जो रेखा है मेरे तरफ में देखो, ये रेखा भाग्य रेखा है। आप इसी रेखा से देख सकते हो, ये रेखा जिसको जितने बढ़िया होगा देखना, आप उतना संसार में फलते फूलोगे। इसी रेखा के ऊपर सब निर्भर करता है। ये दो रेखा को अगर क्रस करके ऊपर चले जाए, तीन दुनिया में तो तुम्हारी जय जयकार। अगर ऊपर में त्रिशूल रूप धारण करता है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, ये रेखा अगर अंतिम में जाकर के त्रिशूल रूप बनता है, तीन जगत में तुम्हारी जय जयकार। और माताओं के लिए वो उल्टा हाथ है, माताओं के लिए ये उल्टा हाथ है। कभी कभी पुरुषों के लिए ये तो भाग्य है सीधा हाथ रखा, और उल्टा हाथ भाग्य को लाता है। अब अपना अपना हाथ को देख सकते हो, हैं देखो ताली बजाने से पहले देख लो, अब ताली बजाने का बाद में देख लेना, क्योंकि भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। क्यों, कौन बदलाएगा, भगवान बदला सकते हैं। इसलिए जो जितने जोर से ताली बजाएगा क्या होगा बताओ, भाग्य रेखा बदलेगी, बीमारी सही होगी, इंटेलिजेंट बनोगे, और बाप रूप चिड़िया तुम्हारी उड़ जाएगी। ठीक है ना, खूब जोर से ताली बजाना और बाद में कर देना।